किन्नौर के श्याम शरण नेगी ने भी वोट डाला। श्याम शरण नेगी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कल्पा के बूथ पर इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। श्याम शरण नेगी भी अपना मतदान डालने के लिए पहुंचे हैं। देश के पहले वोटर हैं श्याम शरण नेगी और इस बार चुनाव से पहले लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने में भी इनका अहम योगदान रहा है। वोट डालने से पहले उनकी काफी मदद की लोगों ने। लोकसभा चुनाव 2019 के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्याम शरण नेगी। लोगों को काफी प्रभावित किया उन्होंने। मतदान डालने के लिए लोगों से उन्होंने अपील की है। 102 साल की उनकी उम्र हो चुकी है। 17 बार वोट डाल चुके हैं। किन्नौर के श्याम शरण नेगी भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कल्पा के बूथ पर उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ब्रांड एम्बेसडर थे विशेषर नेगी है। किन्नौर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विशेषर नेगी जी, ब्रांड एम्बेसडर हैं और वोट डालने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हेलो जी, बताइए, वोट डालने पहुंचे हैं श्याम शरण नेगी? जी बिल्कुल, श्याम शरण नेगी जी ने वोट डाला है और उसके बाद जो है वो वापिस भी हो रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जी। और ये जो है एक ऐसा सुनहरा अवसर है कि आप लोकतंत्र को में जो अच्छे लोगों को चुनने का मौका है, तो उन्होंने अपील भी की है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें श्याम शरण नेगी और 102 साल उनकी उम्र हो चुकी है और पहले वोटर रहे हैं और मतदान करने के लिए आज पहुंचे हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्याम शरण नेगी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। लगातार उन्होंने लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का काम भी किया है और आज वो भी अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन ने काफी मदद की है उनकी, क्योंकि 102 साल के हो चुके हैं और फिर भी अपना मताधिकार इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। काफी अहम एक संदेश दिया है आम जनता को कि अपने मताधिकार को केवल अधिकार ना समझे, एक कर्तव्य की तरह उसका पालन करें और वोट डालने जरूर जाएं। कहीं ना कहीं ये संदेश देते हुए 102 साल के श्याम शरण नेगी भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इस उम्र में, 102 साल की उम्र में वो वोट डालने गए। लोगों ने उनकी काफी मदद की, प्रशासन ने उनकी काफी मदद की और इस तरह से आज अपना वोट उन्होंने डाला है। विशेषर नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विशेषर जी, श्याम शरण नेगी ने भी अपना वोट डाला है। अगर बात करें हिमाचल की चारों सीटों पर आज सुबह से मतदान जारी है, किस तरह की तस्वीर देखते हैं, किस तरह के आपको वोटरों में जोश नजर आता है? जी अगर हम दूरदराज के इलाकों में देखें तो मतदान के लिए लोगों में काफी उत्साह है और लोग घरों से निकल गए हैं मतदान के लिए। जी जी, श्याम शरण नेगी ने भी अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। 102 साल उनकी उम्र हो चुकी है। ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, लोगों को उन्होंने काफी प्रेरित किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी श्याम शरण नेगी जो है 102 साल में अब तक उन्होंने आज 32 बार मतलब 32वीं बार वोट किया है उन्होंने, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायती राज संस्थाओं के। और उन्होंने मतदान केंद्र 51 जो कल्पा का केंद्र प्राथमिक पाठशाला है जो जिसकी स्थापना 1890 में हुई है, वो भी किन्नौर जिले का प्रथम प्राथमिक पाठशाला है जहाँ पे उन्होंने मतदान किया है और शुरू से यहीं पे मतदान करते आए हैं। जी ये तो बात रही कि श्याम शरण नेगी भी अपना वोट डालकर गए हैं, 102 साल के हो चुके हैं। काफी बड़ी और काफी अहम बात है, आम जनता में ये संदेश देते हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। वही अगर बात करते हैं ओवरऑल हिमाचल की, तो किस तरीके का आपको लगता है रुझान, क्या लोगों का जो वोट प्रतिशत है काफी इजाफा इस बार देखा जा सकता है? जी अभी कहा नहीं जा सकता कि जो वोट प्रतिशत है क्या रहेगा, लेकिन रुझान भी उम्मीद लगाई जा रही है कि मिला जुला रह सकता है। जिस तरह से भाजपा उम्मीद लगाई बैठी है, लगता नहीं कि उनके जो दावे हैं वो सही होंगे। कांग्रेस भी काफी संघर्ष कर रही है, ये तो आने वाले 23 तारीख को ही पता चलेगा कि क्या स्थिति रहेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें 7वें चरण के मतदान का आज दिन है। लोग मतदान करने के लिए सुबह से अपने घरों से निकल रहे हैं, लगातार वोट डाल रहे हैं। अब तक 6 चरणों में जो औसत रहा है वो 66.88% रहा है और 7वां और अंतिम चरण है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है।